ये अचानक क्या हुआ? ये तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा था, ये अचानक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चल पड़ा। मतलब 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे, तो ये तो पाकिस्तान करती है हरकत, ये साउथ अफ्रीका कैसे करने लगी? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये लाइन दोनों टीम के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए भी और इंडिया के लिए भी, वो इसलिए क्योंकि इंडिया लूजिंग साइड पर था और साउथ अफ्रीका विनिंग साइड पर था। 30 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे जो कि बन जाने चाहिए थे। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया हुआ कि यार साउथ अफ्रीका यहाँ से हारेगा, बट इंडिया आउटस्टैंडिंग, मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है और जसप्रीत बुमराह ने प्रूव कर दिया है आज कि ही इज़ द नंबर वन बॉलर, ही इज़ द वर्ल्ड क्लास बॉलर इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का बॉलर मिला है ये इंडिया को, जहाँ से इसने मैच निकाल के दिया ना यार, मतलब कमाल, ये मिरेकल है। तो मौजूदा तौर पे ये इंडिया जीत गया मैच ये, और इंडिया वेल डिजर्व था, डिजर्व करता था, और फाइनली दे आर द चैम्पियंस आफ्टर 17 ईयर्स। ये काफ़ी टाइम से चौक करते आ रहे थे इंडियंस, फाइनल में मैचेस हार रहे थे, और साउथ अफ्रीका भी एक तरीके से चौकर्स, मतलब वो तो नंबर वन है ना चौक करने में, तो आज भी उन्होंने साबित कर दिया कि वाई दे आर द नंबर वन चौकर्स। सो इंडिया फाइनली उनके ऊपर से एक बदकिस्मती का साया हट चुका है, और साउथ अफ्रीका वही बदकिस्मती का साया लेके बरकरार है। तो इंडिया की बॉलिंग ने कमाल कर दिया यार, और क्लासिन ने क्या क्लासिकल बैटिंग की है आज, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता था साउथ अफ्रीका के लिए यार। मतलब मोमेंटम बना के गया था, मतलब इतना अच्छा मैच बना के खेला गया था। डेविड मिलर जहाँ पे उनसे उम्मीद लगाई हुई थी लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, वहीं पर उन्होंने पानी फेर दिया। उनको चेस करना चाहिए था टारगेट ये, बट क्या कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका ने चौक किया है और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और दूसरी जानिब इंडिया की टीम ने यार कमाल कर दिया है। विराट कोहली, मतलब जो रोहित शर्मा ने कहा था ना, सही कहा था कि विराट कोहली ने फाइनल के लिए अपनी बैटिंग बचा के रखी हुई है कि वो फाइनल में रन करेंगे, उन्होंने बाकी में यूज़फुल रन स्कोर किए थे। सो फाइनली विराट कोहली ने आज बैटिंग अच्छी की, 48 बॉल 50 रन स्कोर किए थे, जो कि स्लो इनिंग थी। अब कुछ बाबर संत आके बोलेंगे कि भाई 48 बॉल्स में तो 50 विराट कोहली ने भी किए, तो बाबर आजम और विराट कोहली में क्या फ़र्क रहेगा? भाई विराट कोहली ने 50 करने के बाद हिटिंग की है, जिसकी बदौलत इंडिया क्रिकेट टीम ने 177 रन का टारगेट बना के दिया था। तो ये विराट कोहली का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, तो भाई नो कंपैरिजन, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इंडिया इज़ अ कंप्लीट पैकेज, मतलब बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट, एवरीथिंग परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टीम है इंडिया की टीम। मतलब फील्डिंग भी इनकी अच्छी है, आज आपने देखा सूर्य कुमार यादव का कैच, उनको स्काई बोला जाता है, और आज मैंने स्काई को छू लिया है आज, जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा है ना, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और क्लासिन की शानदार बैटिंग थी, क्लासिन की सारी मेहनत ज़ाया चली गई। 30 बॉल्स पर 30 रन चाहिए थे जो कि बन जाने चाहिए थे, इवन दो के इंडिया की क्रिकेट टीम भी हैरान होगी कि यार हम जीत कैसे गए, बट आपने इमोशंस देखे, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली की आंखों में आंसू, सूर्य कुमार यादव की आंखों में आंसू, हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू, मतलब पूरी टीम, सिराज भी रो रहा है। ये इमोशंस होते हैं यार, ये इमोशंस होते हैं इतना फाइनल खेलने के बाद, मतलब लगातार एक टीम फाइनल खेलती आ रही है, उसके बाद वो हारती भी आ रही है फाइनल, तो अब ये उनका 5th चौथा फाइनल था, और ये भी हार था तो बहुत बड़ा इनके लिए हार्ट ब्रेक होता, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हार था इंडिया, तो वो बहुत एक हार्ट ब्रेक था, और एक समझ लेंगे इमोशन से उनके खेला गया था। तो आज इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है यार, कमाल है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत कमाल की बैटिंग। और आई थिंक साउथ अफ्रीका को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, और बहुत मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका दोबारा फाइनल में पहुंचे, बट होप फॉर गुड, उम्मीद रखनी चाहिए साउथ अफ्रीका को, चाहिए कि वो आने वाले वर्ल्ड कप में और अच्छा खेलें और दोबारा फाइनल में क्वालिफाई करें और वर्ल्ड कप जीत के दें। आज वो फाइनल में पहुंचे हैं तो उनका आज भरोसा भी बना होगा अपने ऊपर कि भाई हमारी टीम फाइनल खेल ली है तो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, और आज तकरीबन जीत गई थी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन यार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय बुमराह, बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और बॉलर्स की बात की जाए हर्षदीप जो है वो भी, उन्होंने ये बहुत अच्छी बॉलिंग की, और कमाल उन्होंने कर दिया उस बंदे ने यार, मतलब वो इतना अच्छा बॉलर बनता जा रहा है दिन ब दिन, तो कमाल की उसने बॉलिंग की। और साथ में फिर हार्दिक पांड्या तो उस वक्त तक प्रेशर में थे जब 2 बॉल्स पर 9 रन चाहिए थे, मतलब वहाँ भी वो लोग इतना प्रेशर पर थे इंडियन बॉलर्स कि यार ये यहाँ से भी यहाँ मैच हाथ से निकल गए, क्योंकि जो उनके साथ होता है पिछले
एक साल में होता आ रहा है, पिछले 17 सालों में होता आ रहा है, तो उनको फिर मतलब प्रेशर था, लेकिन फाइनली इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और 17 साल बाद ही वर्ल्ड कप के चैम्पियन बने हैं। और T20 वर्ल्ड कप फाइनली इन्होंने जीत लिया है, इससे पहले इन्होंने चौक किया है। मतलब आप देखें तो 2014 का वर्ल्ड कप निकालें जो श्रीलंका से फाइनल हुआ था, उसमें इंडिया हारा, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ हारा, फिर उसके बाद 2019 का सेमीफाइनल खेला, वो जीता हुआ मैच था वो हारा, उसके बाद फिर आप देखें तो 2022 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फिर 2023 का फाइनल जो उनके होम ग्राउंड में खेला गया था वो हारा, जो कि मोस्ट फेवरेट टीम थी इंडियन क्रिकेट टीम। तो आज उन्होंने फाइनली कर दिखाया है और साउथ अफ्रीका की भी तारीफ बनती है इसमें से। मतलब साउथ अफ्रीका टीम में क्विंटन डिकॉक ने मतलब बहुत ही कमाल की बैटिंग की है, क्या शॉट्स उन्होंने लगाए, क्लासिन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मतलब क्लासिकल प्लेयर। और साथ में आप बॉलर्स की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दोनों टीम्स ये वो टीम्स थी जो अनबीटन टीम थी, तो इन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हार्ड लक है साउथ अफ्रीका के लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, बट इंडिया कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन क्रिकेट टीम एंड इंडियन क्रिकेट फैंस, बहुत ही आला, मतलब आउट क्लास कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, जहाँ से उन्हें मुँह में हाथ डाल के मैच निकाले ना साउथ अफ्रीका के, मतलब कमाल है, इससे अच्छी और कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती भाई। तो आज इंडिया ने दिखा दिया है करके कि वी आर द नंबर वन, दैट्स वाई वी आर द नंबर वन एंड वी आर द चैम्पियंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें और वेट करते हैं अब चैम्पियंस ट्रॉफी का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम, अल्लाह हाफिज़।